हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम और यहाँ लिखा हुआ है यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट और नेम ऑफ आइटम दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर हम चाहते हैं इनका टोटल करना, चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए हम सम फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से टोटल कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ से इसको ड्रैग करवा लिया। तो जैसे ही ड्रैग करवा के बंद करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर केजी भी लगा हुआ है, यानी टेक्स्ट और नंबर दोनों को मिला करके बन जाता है टेक्स्ट, तो ये तो जीरो आता रहा। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले आप इन चीजों को हटा दीजिएगा यहाँ से, कंट्रोल वन फिर से प्रेस करना है और यहाँ पर आकर के क्या करना है, ये जो जनरल ऑप्शन दिख रहा है नीचे कस्टम दिख रहा है, यहाँ पर ये जनरल है इसके ठीक बगल में आकर के आपको लिखना है डबल कोट्स में केजी, इस तरीके से केजी लिख दीजिएगा, बस एंटर भर प्रेस कर दीजिएगा। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप जो भी टाइप करें, जैसे यहाँ 50 kg टाइप करता हूँ तो यहाँ पे केजी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, केजी तो अपने आप आएगा। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ अमाउंट टाइप करना है, 50 टाइप किया तो केजी अपने आप आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये राइस है तो यहाँ पे अगर 30 टाइप करते हैं तो यहाँ केजी अपने आप आएगा, पल्स है तो यहाँ 100 टाइप करते हैं तो पल्स जो केजी है वो अपने आप आता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका रिस्पांस क्या मिला वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, अब समझ में आएगा। इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करके दे दिया जाए तो आप आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके।